हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं। ये हमारा सबसे पहला वीडियो होगा। इसके अंदर हम लोग बहुत ही जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उनको समझेंगे, और उसके बाद इसके बाद जो हम लोग वीडियोज अपलोड करेंगे उसमें और भी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे ज्योमेट्री के कंसेप्ट को लेकर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको पूरा समझ में आए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मीन्स डॉट, है ना। अब जहां पे भी किसी भी प्लेस पर हमने कोई डॉट देखा है तो वो आपका होता है पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। बस इस पॉइंट को डिनोट कैसे करना है, इनको डिनोट करने के लिए आप हमेशा कैपिटल वर्ड्स का यूज करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ए यूज किया, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिखाता हूँ, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल डी, है ना। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को डिनोट करते हो, हमेशा इसको डिनोट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का यूज करो। ये था हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट जो था पॉइंट। सेकंड कंसेप्ट जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है सेगमेंट। अभी सेगमेंट क्या होता है, देखो मेरे पास एक पॉइंट था पॉइंट ए और एक मेरे पास पॉइंट था पॉइंट बी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ जॉइन कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट था मेरे पास पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट था पॉइंट बी। अगर मैं इन दोनों को जॉइन कर दूं तो उसको बोला जाएगा सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो सेग ए बी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो सेग बी ए, है ना। इस तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेगमेंट जो होता है उसका एक मतलब कुछ डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेगमेंट मेरा 5 सेंटीमीटर का है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये इसको मैं कहीं पे भी निकाल दूं वो हमेशा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। आया आपको समझ में? तो इस तरह से हम लोग सेगमेंट को शो कर सकते हैं। सेगमेंट ए बी मैंने यहाँ पे आपको शो किया। उसके बाद थर्ड वाला जो कंसेप्ट है वो है रे। अभी रे क्या होता है, रे मतलब जैसे आपने टॉर्च देखा है ना, हमने टॉर्च को इस तरह से हैंड हाथ में पकड़ने के बाद उसका लाइट जलाया तो आप देखते हो कि एक साइड में उसमें लाइट आती है, पीछे के साइड में लाइट नहीं आती। तो रे भी कुछ उसी तरह से होता है। एक जगह पे मेरा एक पॉइंट है पॉइंट ओ, उसको नेम दे दिया, और यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया और एक साइड में उसको एक एरो दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो रे है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है और ए की तरफ बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये इस साइड में तो इंक्रीज नहीं हो सकता, बट इस साइड में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इंक्रीज हो सकता है, और इसीलिए हमने इसको बोला है रे। और इसका नेम लिखते समय आप इस तरह से लिखोगे रे ओ ए। सेगमेंट को लिखते समय मैंने सेग ए बी करके लिखा था, सेग बी ए करके भी लिख सकता हूं, बट रे का नेम लिखते समय मुझे हमेशा रे ओ ए इस तरह से ही लिखना, रे ए ओ करके मैं इसको नहीं लिख सकता। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट जिसको बोलते हो रे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है लाइन। अभी लाइन क्या होता है, तो जहां पे मैंने भी देखा कि रे जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है, लाइन इससे थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें क्या होगा, तो ये दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया ए बी, तो ये जो मेरी लाइन ए बी है ये ए बी जो है लेफ्ट में भी इंक्रीज हो सकती है और राइट में भी इंक्रीज हो सकती है। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें ये दोनों साइड में हमें एक्सटेंड करके दे सकता है। इसका नेम लिखते समय मैं इस तरह से लिखूंगा लाइन ए बी, ठीक है। कभी कभी आपको नेम जो है वो सिंगल लेटर से भी दिया रह सकता है, मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइन एल। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग लाइन को डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझे। पॉइंट के बारे में समझा, सेगमेंट, रे, लाइन। उसके बाद दो टॉपिक हमारे बच रहे, उसको भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एक है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट एंगल। अभी एंगल क्या होता है, एंगल कुछ नहीं है, जो हमारे पास रे होता है ऐसे अगर मैं दो रेज किसी भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करूं, जैसे मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूं आपको, ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मैंने यहां से रे निकाला, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने दूसरा रे निकाला। आ रहा है आपको समझ में? मतलब दोनों रे जो है वो एक ही ओरिजिन से एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से अगर निकलते हैं तो आप उसको बोलोगे एंगल, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से नेम दे दिया एंगल जो है, इस तरह से इसके तीन लेटर से आप उसको डिनोट करोगे ए बी सी, मैंने यहाँ पे यूज किया। इसको लिखना कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ये हमारा साइन होता है एंगल का, एंगल ए बी सी। इस तरह से आप इसका नेम लिख सकते हैं, क्या लिखा मैंने एंगल ए बी सी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल सी बी ए, ठीक है।
ए बी सी या फिर सी बी ए, कभी भी आप एंड पॉइंट से इसको स्टार्ट करोगे और एक बराबर लाइन से जाना है सी ए बी, इस तरह से हम इसका नेम नहीं लिख सकते। इसके अलावा इसको एक सिंगल लेटर में अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी, जिस जगह पे हमारे दोनों रे जो है स्टार्ट हो रहे उसको भी आप सीधा सीधा लिख सकते हो, एक सिंगल लेटर में भी हम लोग एंगल का नाम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद हमें देखना है कि जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स के भी कुछ टाइप हमें यहाँ पे समझने हैं, टाइप्स ऑफ एंगल को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है या फिर एंगल का टाइप होता है वो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किस तरह से डिनोट करोगे? जैसे हम लोग छोटे बच्चों को क्यूट बोलते हैं उसी तरह से एक्यूट जो है वो छोटे एंगल के लिए हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एंगल बना के दिखा है, ये छोटा सा एंगल है ना, इसको डिनोट करने के लिए मैं इस तरह से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो एंगल है एक छोटा सा एंगल है, तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल। इसका अगर मेजरमेंट के साथ लिखा जाए तो जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है ना, जो भी एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड हमारा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बोला मैंने? ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होगा, मतलब मैं इस तरह से इसको डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एंगल का अगर आप मेजरमेंट लोगे तो ये 90 से ज्यादा होगा, ये वाला कितना था? 90 से कम था। तो इसका मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा होता है थर्ड एंगल, जिसको आप बोलते हो राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? एक तो था 90 से छोटा, एक तो है 90 से बड़ा, है ना। इसको अगर डिनोट किया जाए ऑब्ट्यूस को तो मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, 90 से भी लार्ज वैल्यू है। बट एक एंगल होता है जो होता है इस तरह से 90 डिग्री का, जिसका मेजरमेंट परफेक्टली 90 डिग्री का है, तो इस तरह के एंगल को आप क्या बोलोगे? राइट एंगल। आया समझ में? तो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल देखा जो 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल देखा जो 90 से बड़ा होता है, और राइट एंगल देखा जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी एंगल्स के कुछ टाइप है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो तीनों एंगल के बाद एक थर्ड फोर्थ वाला एंगल हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैं किसी एंगल को इस तरह से बनाता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये जो एंगल मेरा बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे आप इसको? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये जो है ये एंगल 180 वाले एंगल से भी बड़ा है, ठीक है। तो 180 वाला जो एक एंगल हमारा था इसके बीच में, उसको आप बोल सकते हो स्ट्रेट एंगल। क्या बोलोगे आप इसको? स्ट्रेट एंगल, जहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और यहाँ पे अगर आप उसका एंगल का मेजरमेंट लोगे तो ये आपका आएगा 180 डिग्री का, ठीक है। तो जब भी एंगल 180 डिग्री का है तब आप उसको बोलोगे स्ट्रेट एंगल, और 180 से भी बड़ा है तो आप उसको क्या बोलोगे? When angle is greater than 180 degree, then it is a reflex angle. तो आप उस एंगल को बोल सकते हो reflex angle, है ना? तो समझ में आ गया आपको? Reflex angle मतलब straight line से भी बड़ा वाला एंगल, जो 180 से भी लार्ज होता है, और straight angle मतलब एक straight line के ऊपर आने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 180 degree का ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक sixth वाला जो एंगल हमारा होता है वो होता है complete angle। अभी complete angle का मतलब क्या है? Complete angle का मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये नीचे से पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, ये तो था हमारा एक्यूट एंगल, ये था हमारा राइट एंगल, ये है ऑब्ट्यूस, ये है स्ट्रेट, ये वाला हो गया हमारा रिफ्लेक्स, है ना, इतना बड़ा एंगल। और अगर ये नीचे से पूरा ऐसे कंप्लीट कर दूं मैं इसको, है ना, तो ये नीचे से पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। मतलब ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन और ये होगी उसकी सेकंड लाइन, तो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी मैच हो चुकी है। इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? ये होगा हमारा 360 डिग्री का, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सभी टाइप्स ऑफ एंगल जो है समझ में आ चुके हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।